प्याज की फसल जब 60 दिन से ऊपर निकल जाती है तो वह अपने सेकेंडरी स्टेज में पहुंच जाती है। इस अवस्था में जो प्याज का पौधा होता है वह तना मोटा कर रहा होता है और कंद की भी वृद्धि कर रहा होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब प्याज का पौधा 60 दिन या उससे अधिक का हो जाता है तो उसे डबल लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक तो वह कंद का विकास कर रहा होता है और अधिकतर बीमारियां भी उसी टाइम पर आती है। इस टाइम पर जो किसान भाई अपनी फसल को अगले 40 दिन तक अपनी फसल की सही देखभाल कर लेते हैं तो उनकी फसल का उत्पादन भी बढ़िया निकलता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनपिन प्रोडक्ट पर। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। जिन किसान भाइयों की प्याज की फसल 60 दिन से 100 दिन के बीच की, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जितने भी किसान भाई चैनल पर नए आए हैं और जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर करें। दोस्तों अब बात करते हैं, जो प्याज 60 दिन से 100 दिन के बीच में हो चुकी है उसके अंदर क्या क्या सावधानी रखनी है, कौन से खाद फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है और क्या कुछ करना है। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वह यह रखना है कि इस समय टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और हर दिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इस समय हमें सिंचाई व्यवस्था का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। यदि आप पहले सिंचाई 10-12 दिन या 15 दिन में कर रहे थे, वो आपकी खेत की मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में नमी को बनाए रख सकती है। कुल मिला के बात यह है कि अपने प्याज की फसल के अंदर खेत सूखना नहीं चाहिए, उसमें नमी बरकरार बनाए रखना है। अब बात करेंगे दोस्तों, हमें इस टाइम पर हमें अपने फसल में कौन से फर्टिलाइजर खाद देना चाहिए, सिंचाई के साथ कौन से खाद देना चाहिए जिससे कि पौधे का तना मोटा हो और कंद विकास तेज़ी से बढ़े। दोस्तों अब पौधे का तना वह एनर्जी स्टोर कर रहा है। इस समय एक तो पौधे को आवश्यकता पड़ेगी फॉस्फोरस की और पोटाश की और कैल्शियम नाइट्रेट की। ये तीन खादें जो इस समय पौधे को कंद की साइज बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। आगे जाके इस समय हमारा पौधा वह नीचे से जड़ों के माध्यम से वाटर, मिनरल्स और जो खाद हम डाल रहे हैं वह लेकर तने में स्टोर कर रहा है और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बना रही है। इस अवस्था के अंदर हमें एक बार फिर DAP खाद देना है 25 से 30-35 किलो पर एकड़ के हिसाब से और इसके साथ आपको अपने खेतों के अंदर MOP म्यूट ऑफ पोटाश भी दे सकते हो। यदि आप इसका प्रयोग नहीं करते हो तो इससे बेहतर खाद होगा कि आप इसकी जगह पर आप 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप NPK 0050 जो वाटर सोल्यूबल खाद आता है उसके अंदर 50% पोटाश की मात्रा होती है, इसको आप इन्हीं खादों के साथ मिलाकर नीचे से देना है 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से और इसके बाद अपने खेत में सिंचाई कर देना है। सिंचाई करने के 3 से 4 दिन बाद आपको अपने कैल्शियम नाइट्रेट बोरोन वाला आता है उसको लेना है और उसकी मात्रा की बात करें तो आपको उसको 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेकर अपनी प्याज की फसल में नीचे से दे देना है। और इनके सावधानी की बात करें तो आपको DAP या कौन से भी फॉस्फोरस की मात्रा होती है जिस खाद में उसके साथ में आपको कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप इन दोनों खाद को एक साथ मिलाकर प्रयोग करते हो तो यह अपने प्याज की फसल में कार्य नहीं करता है क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं जिससे कि वो अपनी फसल में कार्य नहीं कर पाते हैं। आपको यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, नहीं तो डिसलाइक वाला भी ऑप्शन है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।